बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। लोग हमसे कहते हैं कि मोदी जी के बारे में इतना क्यों बोलते हो। भाई साहब, मोदी जी इतना बोलते हैं कि हमें भी बोलना पड़ता है। और कमाल की बात है, मोदी जी बोले, खूब बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मोदी जी कम से कम झूठ तो ना बोले। भाई साहब ऐसा ऐसा खुला खुला झूठ बोल देते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, भाइयों और बहनों, ये राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए कभी मुद्दा ही नहीं था। अब आप बताइए, आप इस बात से सहमत हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा कभी उनके लिए मुद्दा ही नहीं था? तो भाई साहब ये बात झूठ हुई कि नहीं हुई है? और जब मैं बोल देता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि यार ऐसा बोलते हो, मतलब राम मंदिर बीजेपी के लिए कभी मुद्दा ही नहीं था। तो राम मंदिर क्या कांग्रेस का मुद्दा था, राहुल गांधी जी का मुद्दा था, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा था, ममता बनर्जी का मुद्दा था? इतने साल से जब मंदिर वंदिर बन गया तो तुरंत चंदन टीका लगा के आगे से उद्घाटन करने तुरंत पहुंच गए। जब ये हुआ तो पहला गुम्मा रख करके अब भाइयों और बहनों दिए जलाओ और सनातन और ये सबको निमंत्रण भी भेज रहे हो, सबको बुला रहे हो, कह रहे हो कि ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, वो नहीं। जब मुद्दा नहीं है तो आपको क्या लेना देना है? मुद्दा नहीं मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी कि राम मंदिर बीजेपी के लिए कभी मुद्दा ही नहीं था, मतलब किसके लिए मुद्दा था? और अभी फिर कह रहे हैं कि ये राम मंदिर इतने साल, कल बोला कि मुद्दा नहीं और आज बोल रहे हैं कि राम मंदिर में जो है प्रभु राम इतने साल तक टेंट में थे। और बताइए, अब जब आपके लिए मुद्दा नहीं है तो ये सब बातें आप क्यों बोल रहे हो? आप बाकी विकास के कार्य है, डेवलपमेंट है, महिला सुरक्षा है, शक्ति वंदन है, तमाम आपने जो इतना विकास कार्य किए उनके बारे में आप बात करो। अच्छा, खुद बोलेंगे बाकी सब लोगों को काम पे लगा देंगे। वो देखो राम मंदिर इनके लिए मुद्दा नहीं है, वो मनोज तिवारी रिंकिया के पापा अपने घर में राम जी की फोटो लगाए हैं और बगल में एक इनकी फोटो लगाए हैं, इनकी आरती उतार के फिर इनकी उतार के एकदम ऐसे चरण वंदना करके तब जाता है। उधर कंगना रनावत कह रहे हैं कि नहीं, ये जो मोदी जी हैं एकदम साक्षात राम के अवतार हैं, तो तुम्हारे हर चीज में राम है, इन्होंने राम को ऐसा कह दिया, ये राम विरोधी हैं, ये राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, ये ऐसा है। जब आपका मुद्दा ही नहीं था तो आपको दुनिया भर का टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बहुत सारी बातें उनकी बात करो, लेकिन ना भाई साहब, आज ऐसा बोल दिया, कल भाई जो मन में आया वो बोल दिया। हाँ, अब पब्लिक का क्या है? पब्लिक को तो लगता है इन्होंने कि मोदी जी ने सब हमारी तरफ है, जो हम जो कुछ भी बक देंगे सब लोग सब सच मान लेंगे। आज कह रहे हैं कि बताइए ये लोग श्रावण में मटन और मछली का फोटो डाल के हमें चिढ़ाते हैं। अरे आप क्यों चिढ़ रहे हो? कौन क्या खा रहा है खाने दो, आपने इतना विकास किया है, आप अपने विकास की बात करो, आपके विकास के नाम पे लोग आपको वोट देंगे, आपने इतना प्यार मोहब्बत बांटी है, लोग तो नफरत बांटते रहे, तो आप अपने प्यार मोहब्बत पे वोट मांगो। आपने हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई सबको एकदम प्यार से, किसानों का इतना भला किया है आपने, हैं किसानों की एक एक मांग मान ली आपने, उनको गले से लगाया है, कभी उनके ऊपर कोई लाठी डंडा धरना प्रदर्शन किसी चीज़ की रोक नहीं लगाई आपने, कितना अच्छा काम किया है, तो आप इसके ऊपर वोट मांगो। लेकिन वोट के लिए उधर मेरठ में वो अरुण गोविल थे, वो खुद भी राम है और राम की फोटो लेकर के भी चल रहे हैं। तो ये हर जगह राम हैं भी और राम नहीं भी हैं, और जो राम को लाए थे हैं हम उनको लाएंगे, गाना सुनेंगे तो भी बड़ा मजा आएगा, और राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं था, तब तो कहना ही पड़ता भैया, क्या करें, बहुत हुआ सम्मान, चुनाव चल रहा है, देखते जाओ, मजे लेते रहो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।